Assalamu alaikum students, welcome to your Oxford English class. Today we will study page 19 and 20 from unit 1. So let's open your page number 19. Okay, I am going to read it page 19. There is nothing special on page 19, but there are few terms that we have to discuss today. One is literally and other is metaphorically. So let's discuss about metaphorically. Before going to its definition, I am going to give you an example. जो बच्चे टी एस बी गए हैं टाउनशिप ब्रांच के, उन्हें पता है कि मैं ना बैडमिंटन बहुत शौक़ से खेलता हूँ. तो जब हम बैडमिंटन खेलते हैं ना, तो वहाँ पर जब हम टीम अप करते हैं और टीम में से कोई एक प्लेयर बहुत अच्छी शॉट खेलता है, तो हम कहते हैं तू शहज़ादा है. ठीक है, यानी कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि तू शहज़ादा है. अब शहज़ादे का क्या मतलब होता है? शहज़ादे का मतलब वैसे देखा जाए तो कहानी में ये करैक्टर है. ठीक है, लिटरली मीनिंग अगर देखा जाए तो शहज़ादा एक करैक्टर है, बट वहाँ पे उसका मतलब ये है कि तुम बहुत अच्छे हो. ये वहाँ पे आप सिमिलीज भी कह सकते हैं. ठीक है, कि तुम बहुत अच्छे हो. इसी तरह बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट शॉट आती है और अगर कोई प्लेयर वो डिफ़िकल्ट शॉट खेल जाए, तो हम कहते हैं तू तो चीता लगा हुआ है. अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे एनिमल कह रहे हैं या कुछ और, इसका ये मतलब है कि हम उसे कह रहे हैं कि आप चीते की तरह तेज़ हो. तो ये जो होता है ना, जो हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड मेटाफोरिक. नाउ लुक एट द डेफिनेशन. अब यहाँ पे भी एक डेफिनेशन है, द माइंड इज़ एन ओशन एंड द सिटी इज़ अ जंगल आर बोथ मेटाफोर्स. अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो दिमाग है वो समंदर की तरह गहरा है और जो शहर है वो जंगल की तरह घना है. जब आप दो चीज़ों को उनके बेसिक करेक्टर्स पे एक जैसा कहें, तो वो मेटाफोरिक होता है. हमारे पास मेटाफोर्स एंड सिम्बलीज, सिम्बलीज वही होता है जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सिमिलर बनाते हैं या कहते हैं. मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीच इन एवरीडे लैंग्वेज, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेटिंग. जब हम किसी चीज़ को उसके करैक्टर की बेस पे किसी चीज़ से रिलेट करते हैं, तो हम वो मेटाफोरिकली टर्म बना रहे होते हैं. नाउ लुक एट योर पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 इज जस्ट ऑल अबाउट द लिटरली मीनिंग एंड मेटाफोरिकली मीनिंग. देयर इज अ येलो टेबल वर्ड ओरिजिन्स. लिटरली और लिटरल फ्रॉम द फ्रेंच केम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड. इससे बजाय इसके कि मैं इस पर टाइम वेस्ट करूँ, मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ एंड यू हैव टू रीड दिस पेज बाय योरसेल्फ. नाउ व्हाट इज़ मीन बाय लिटरली? लिटरली मीन द एक्चुअल मीनिंग. जैसे हम अल्फाज मायने नहीं करते, लाइक अगर हम कह दें वार्म, वार्म मीन गर्म, इट्स ओके. ये हमारे पास क्या होता है? लिटरली मीनिंग. बट मेटाफोरिकली मीनिंग क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि वो गुस्से से लाल हो गया. अब हमें नज़र तो नहीं आता, हम जस्ट ये दिखाना चाहते हैं कि वो गुस्सा उसे इतना आया कि वो लाल हो गया. जब हीट होती है, आग जलाते हैं, तो उससे लाल होती है ना, तो वो शिद्दत को बताने के लिए कि उससे इतना तेज़ गुस्सा आया कि वो लाल हो गया. दिस इज़ समथिंग मेटाफोरिकली. सो यू स्टूडेंट हैव टू रीड पेज नंबर 19 बाई यूअर सेल्फ. ओके, एंड हेयर इज़ समथिंग एल्स दैट इज़ proverb. Yes, here is something that is proverb. बेटे proverb means something, जैसे उर्दू में कहावत होती है या इंग्लिश में कोटेशन होते हैं, that is proverb. Like here is a proverb on page 19, don't change horses while crossing a river. It is also a proverb. So proverb are some words that have some meanings. और ये किस बेस पे बनते हैं? ये सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, circumstances और background के साथ इनका connection होता है, और इसमें फीलिंग्स क्या होती हैं? इन्वॉल्व होती हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी पेज नंबर 19 बाय योरसेल्फ एंड जस्ट गेट द कॉन्सेप्ट व्हाट वर्ड्स हैव ऑन दिस पेजेस. नाउ कम टू द पेज नंबर 19. यस, हियर इज पेज नंबर 19, द ब्रिज बिल्डर. ओके, सो today we will read the poem The Bridge Builder on page number 19. I am going to read it and I will explain it after the reading. An old man going a lone highway came at the evening cold and gray to a chasm vast and deep and wide through which was flowing a sullen tide. Ek burha aadmi ek lambi highway pe ja raha hai sham ke waqt.
जब शाम ठंडी हो रही है उसे एक कैज़म, कैज़म ये चश्मे को कहा जाता है, वेस्ट बड़ा है एंड डीप और गहरा है एंड वाइड और चौड़ा है, थ्रू विच वॉज फ्लोइंग अ सलन टाइड, जिसकी लहरें बहुत तेज हैं। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्वाइलाइट डिम, और बूढ़े आदमी ने चांद की मध्यम रोशनी में उसे पार किया। द सलन स्ट्रीम हैड नो फियर्स फॉर हिम, और उन तेज लहरों से वो खौफजदा नहीं था। बट ही टर्न्ड व्हेन सेफ ऑन द अदर साइड, लेकिन जब वो दूसरे किनारे पहुंचा तो वो मुड़ा। एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड, और उसने एक पुल बनाया ताकि उन लहरों से गुजरा जा सके। ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, बूढ़े आदमी एक पास से गुजरते हुए मुसाफिर ने कहा, यू आर वेस्टिंग स्ट्रेंथ विद बिल्डिंग हेयर, आप अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं इसे बनाने में। योर जर्नी विल एंड विद द एंडिंग डे, आपकी जर्नी, आपका सफ़र एट द एंड ऑफ डे ख़त्म हो जाएगा। यू नेवर अगेन मस्ट पास दिस वे, तुम दोबारा इस रास्ते से नहीं गुजरोगे। यू हैव क्रॉस द कैज़म डीप एंड वाइड, तुम्हें ये गहरा और चौड़ा कैज़म पार नहीं करना पड़ेगा। वाई बिल्ट यू द ब्रिज एट द इवन टाइड, तो तुम इवन टाइड मीन एट द एंड ऑफ डे, तो तुम दिन के आखिर पे क्यों ये पुल बना रहे हो। द बिल्डर रिफ्टेड हिज ओल्ड ग्रे हेड, उस बुरे आदमी ने अपना बूढ़ा सुरमई सर उठाया। गुड फ्रेंड इन द पार्ट आई हैव कम ही सेड, अच्छे दोस्त जब मैं यहाँ रास्ते में आया, उसने कहा, देयर फॉलो इट आफ्टर मी टूडे आई यूथ हूज फीट मस्ट पास दिस वे, मेरे बाद जो यहाँ से नौजवान गुजरेंगे वो इसे पार करेंगे। दिस कैसम डैट हैज़ बीन नॉट टू मी, ये चश्मा जो मेरे लिए इतना ख़तरनाक नहीं है, टू डैट फेयर हेयर यूथ में आप पिट फॉल भी मे बी, ये नौजवानों के लिए या बाद में आने वालों के लिए ख़तरनाक साबित हो। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्वाइलाइट डिम, और उसे चांद की मध्यम रोशनी में ये पार करना पड़े। गुड फ्रेंड आई एम बिल्डिंग द ब्रिज फॉर हिम, मैं उनके लिए ये चश्मा बना रहा हूँ। सो इट इज़ अ पोइम अबाउट अ ओल्ड मैन हु बिल्ड अ ब्रिज ऑन अ कैसम फॉर द ओल्डर फेलोज, सो द ओल्डर पीपल कैन क्रॉस दिस कैसम विदाउट एनी फेयर एंड रीच टू द ओल्डर एंड सेफली। So today we have to discuss something else, and that is how to write a summary. So students, how to write a summary, there are few points that you have to keep in mind while writing a summary. Number first, summary means summarize something. It means you have to be concise. Important points, but in your own words, you have to choose the important point and then you have to write this point in your own words. Length of summary will be 1/3 of the actual length. The most important thing is the length of the summary. Now, if the summary is 75 lines in length, then you just have to write 25 lines for its summary. The 1/3 of the actual length, it is the accurate or proper length for the summary of a poem. So here comes your diary. What you have to do, you have to write a summary of the poem The Bridge Builder on your English notebook by yourself and study and read page number 19 by your own. And something else beta, here I want to say thanks to Ayat from TSB, Saim Hassan from JTB and Tehreem Fatma from CB. इन तीन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस देखने के बाद नीचे कमेंट किया था, और मैंने आप लोगों से कहा था कि प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन नीचे अपना कमेंट में अपना नाम और अपने ब्रांच का नाम नहीं लिखते, तो प्लीज़ वो सब स्टूडेंट जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं अपना नाम लिखें नीचे, आप बताएं कौन सी ब्रांच से आप, और फर्दर आप ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मैं नेक्स्ट में वो चीज़ आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। एंड मैसेज ऑफ द डे इज़ फॉल डाउन 7 टाइम्स गेट अप 8, अगर आप 7 दफ़ा गिरते हैं तो 8वीं दफ़ा भी खड़े हो जाएं, नेवर क्विट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बेटर, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।